नमस्कार। इस वक्त देश में 22 ऐसे कैंपस हैं जहां पर छात्र विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। मोदी सरकार कहती है कि इन छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस इन्हें भटका रही है। एक ऐसे मुद्दे पर जिसका भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना नहीं, इन छात्रों को गुमराह करके सड़कों पर उतारा जा रहा है, तोड़फोड़ पर मजबूर किया जा रहा है। आखिरकार छात्रों में इतना उबाल है क्यों? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एजेंडा आज तक में मौजूद है। मैं आपकी पहचान कराता हूं सिद्धार्थ यादव से, ये स्टेट सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। अनिमा सोनकर, ये स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। साथ ही साथ कन्हैया कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ हैं मोहम्मद अफजल अली, ये छात्र हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, वहां पे ये डबल अपना एमए कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। कन्हैया, इस बहस की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। प्रधानमंत्री ने आज ही बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी एक नागरिक का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस और उसका जो पूरा इकोसिस्टम है, उसके जो समर्थक हैं, वो छात्रों को भटका रहे हैं, बहला रहे हैं, उनको सड़कों पे उतार रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। और ये पाकिस्तान की जो सोच है, पाकिस्तान की जो आवाज़ है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, और हिंदुस्तान की ये सोच नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस मंच से, एक शर्मनाक घटना हुई है बिहार में, मुजफ्फरपुर की एक रेप पीड़िता जो हॉस्पिटलाइज थी, आज उसकी मौत हो गई है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि इस देश में आगे से किसी बलात्कारी को नहीं बचाया जाएगा। हालांकि कुलदीप सेंगर को बचाने का प्रयास CBI ने की थी, ऐसा कोर्ट का कहना है। दूसरा, जो आपने प्रश्न किया है कि मोदी जी कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि विद्यार्थियों को इतना ना समझ समझना, ये सबसे बड़ी नासमझी है। विद्यार्थी कैंपस में पढ़ने के लिए आते हैं, देश दुनिया के बारे में जानकारी रखते हैं, उनको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। जहाँ तक सवाल है कि इस कानून के विरोध करने का, तो मैं आपको बता दूं कि ये कानून अभी पास हुआ है। इस कानून के आने से पहले ही इस देश के अलग अलग कैंपस के विद्यार्थी सड़कों पर हैं, और उनका मुद्दा ये है कि उनकी कैंपस में पढ़ाई लिखाई को महंगा कर दिया गया है। जहाँ तक JNU का सवाल है, JNU में फीस वृद्धि की गई है, और फीस वृद्धि यदि लागू होगा तो JNU इस देश का सबसे महंगा यूनिवर्सिटी बन जाएगा। और JNU का अपना डेटा कहता है कि 100 में से 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवार की मासिक आमदनी जो है वो 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक की है। ये जो मुद्दे हैं कैंपस के, वो उनके अपने पढ़ाई लिखाई के मुद्दे हैं, अपने हॉस्टल के सवाल हैं, और वो चाहते हैं कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। और ये एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका है कि जब उनके देश के संविधान के ऊपर हमला हो, एक ऐसा कानून पास किया जाए जो देश विरोधी हो, जो देश को तोड़ने वाला हो, जो अंग्रेजों के मंसूबों को पूरा करता हो, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए आज हमारी खुद की चुनी हुई सरकार कर रही हो, देश के संविधान की मूल भावना पर हमला किया जा रहा हो, तो ना सिर्फ विद्यार्थी बल्कि हर एक नागरिक को, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, उनको इस कानून के खिलाफ में अपनी विरोध को, अपनी आवाज़ को मुखर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये पाकिस्तान की भाषा है, दरअसल प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश की भाषा बोल रहे हैं कि जो जॉर्ज बुश के साथ नहीं है वो ओसामा बिन लादेन के साथ खड़ा है। लोकतंत्र में सरकार की विरोध करना ये लोकतांत्रिक जिम्मेवारी है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष होता है। और मैं इस बात के लिए इस कैंपस में जो विद्यार्थी हैं और इस देश के विश्वविद्यालयों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि जब इस देश का विपक्ष चुप है, इस देश की यूनिवर्सिटी अपोजिशन की भूमिका निभा रही है, उसको बधाई का पात्र होना चाहिए। अनिमा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लेके जामिया तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 22 कैंपस पर विरोध हो रहे हैं। कन्हैया का आरोप है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये सोचना कि छात्र इतने नासमझ हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, ये छात्रों की जो अकल है उसके साथ खिलवाड़। Vande Mataram. At the outset, thank you, Rahul, for having me here and speaking my opinion on this. Let us address the elephant in the room. Hindi mein boliye. And that would be, jo moolbhoot baat hai, wo hum kahin na kahin miss kar rahe hain, wo ye, sawal sabse bada ye, ki Jamia Millia Islamia University aaj protest kyun kar rahi hai? Jo cap bill pass hua hai dono sadnon mein,
वो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। जो जामिया का जो आज प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट मुद्दा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लेट अस रिमेंबर वन थिंग कि हिंदूज पूरे विश्व में ग्लोबल माइनॉरिटीज़ हैं। इफ विदाउट ऑफेंडिंग आर मुस्लिम सिबलिंग्स वी सीक टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदूज, आई डोंट थिंक वी आर कमिटिंग अ क्राइम। इंडिया एज अ कल्चर जस्ट नॉट से बट हैज़ लिव्ड द स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। इनफैक्ट वी हैव शोन एक्सट्रीम मैग्नानिमिटी इन ओपनिंग द डोर्स नॉट जस्ट फॉर हिंदूज परसिक्यूटेड बट डिफरेंट रिलीजन्स, Jains, Parsis, Christians. I mean, do not make us apologetic of taking pride in the religion that we were born in by any standards. JNU, आप देखिए जामिया के जो मुद्दे हैं, to begin with, registrar कहते हैं 3700 students registered हैं. However, जब campus में पुलिस घुसती है तो वहाँ पे कितने students पाए जाते हैं? 27,000. कैन वी इवन कैलकुलेट? छात्र थे और बाहर से नहीं आए, आपको कैसे मालूम? एक सेकंड, 20,000 के आसपास पाए गए हैं। बात यहाँ आंकड़ों की नहीं, बात यहाँ इंटेंशंस की हो रही है। नहीं तो आपके हिसाब से क्या इंटेंशन है? ऑन रिकॉर्ड है राहुल जी, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, छात्र कभी दंगाई नहीं होता और दंगाई कभी छात्र नहीं होता। दिल्ली पुलिस, आज मैं आप इस मंच से मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ, आई सपोर्ट दिल्ली पुलिस, आई सपोर्ट इंडियन आर्म फोर्सेज, क्योंकि उनको कोई शौक नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में क्रैक डाउन करें या वो कभी जाके यूनिवर्सिटीज़ में टू चेक अपॉन द स्टूडेंट्स। मोहम्मद, दे आर हियर टू एंश्योर सिक्योरिटी, दे आर हियर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। व्हेन द स्टूडेंट्स रिजॉर्ट टू स्टोन पेल्टिंग, व्हेन दे रिजॉर्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ आर्सनिंग, आप क्या उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या? आखिर उनकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, उनकी जिम्मेदारी बनती है जामिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, द स्टूडेंट्स हु स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पॉलिटिकल एजेंडास, उसको रोकने के लिए, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। ये पुलिस आरोप ये लग रहा है मोहम्मद अफजल जी, देयर लाइव्स, रिमेंबर जामिया में पुलिस पर छात्रों ने हमला किया कि कसूरवार आप हैं, आपने पुलिस को उकसाया, आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, दो दफा आप कहते हैं कि पुलिस ने आपके साथ बदसलूकी की, पहले तमाम लोग जो आपको आज तक पर इस वक्त देख रहे हैं उनको बताइए कि दरअसल हुआ क्या और क्या जवाब है आपका? तस्वीरों में भी दिखता है कि छात्र कई बार पत्थर उठा के वो पुलिस की तरफ फेंक रहे, तो उनका कहना है अगर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी तो हर्ज क्या? देखिए, क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। मैं शुरुआत मोहतरमा के बाद से ही करूँगा, शायद वो थोड़ा यहाँ के आने से पहले मुताला कर लेती हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक इदारे से पहले मूवमेंट से भी शुरुआत हुई थी। जामिया का स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, सदियों से करता हुआ आया है। सबसे पहली बात, कुछ महीनों पहले जामिया अपने ही प्रोफेसर के खिलाफ, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, ये आज का मुद्दा नहीं है, जामिया सदियों से प्रोटेस्ट करता हुआ आया। दूसरी बात, जहाँ तक इन्होंने कहा कि 27,000 बच्चे पाए गए और होने में फ़र्क है, पाए गए और होने में फ़र्क है, तो बहरहाल वोकैबलरी अगर समझ में आएगी समझ जाएंगी कि पाए और हो जाने में क्या फ़र्क है। दूसरी बात, जो बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं क्या वो जामिया के स्टूडेंट हैं? ये बात इन्हें नहीं मालूम, इन्होंने हवा में बोल दी है। दूसरी बात, मैं फर्स्ट डे प्रोटेस्ट में मौजूद था वहाँ पे, फर्स्ट डे फ्राइडे को जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे, जब मैं बैरिकेडिंग लेके गिरता हूँ नीचे तो मेरा नारा था नील सलाम अस्सलाम, तो पुलिस वाला मेरा यही हुडी, सॉरी दूसरी जैकेट पहनी थी, वो पकड़ खींचता है, इस मूल्य कट्टे को इधर खींचो, बहुत सलाम सलाम कर रहा था। ये क्या है? ये 94 का बोमाई केस था, उन्होंने वहाँ जजमेंट आया था कि इंडियन सिटीज़न का फेथ जो है ट्रेडिशन है, फंडामेंटल राइट ये कहता है अगर रिलीजन और इक्वालिटी के बीच में टकराव होगा तो इक्वालिटी की जीत होगी, इक्वालिटी को हम ऊपर करेंगे, तो वो कंसेप्ट कहाँ गया? दूसरी बात रही, हमने उकसाया, हमने नहीं उकसाया, हमारा पीसफुल मार्च था संसद तक का, पीसफुल प्रोटेस्ट था, इन्होंने बैरिकेडिंग लाकर रोका। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हम इन्होंने आंसू गैस से गोले छोड़े, हमने फिर भी, हम अनआर्म्ड थे और एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि हमने बस जलाई। जुलैना पे उस टाइम सिर्फ 15 बच्चे बैठे थे, निहत्थे, सिर्फ अपना नारा लगा रहे थे। 3 बस जलाने के लिए मेरे ख्याल से 1.5 लीटर केरोसिन चाहिए होता है, उसके लिए पैसे नहीं, क्योंकि हम टैक्स पेयर मनी से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर टैक्स पेयर मनी से पढ़ रहे हैं, अगर ये लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं, 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, लोग अपनी जेब से पानी पिला रहे हैं, मैं पानी पिला कर रहा हूँ लोगों को, वो पैसा किधर है, कौन दे रहा है पैसा? तो मैं वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, पुलिस घुसती है,
और लाठी चार्ज करती है मुल्ला कट्टों को बाहर निकालो मस्जिद से, इमाम साहब को मारा गया वहाँ पे। उससे पहले लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी में पुलिस घुसती है, पहली बात तो देर इज अ लॉ यू कैन नॉट अरेस्ट इवन अ मर्डरर इनसाइड द कैंपस अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ परमिशन फ्रॉम वाइस चांसलर। लेकिन यहाँ तो पुलिस अरेस्ट, घुस के टीयर गैस से गोले छोड़ती है, लड़कियाँ जिस रूम में हैं उसे अंधेरा करके बदसलूकी करती है वहाँ पे। मेरा दोस्त, अब मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा, 27,000 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं 2-3 की बात करूँगी, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अफजल नैयर मेरा दोस्त है, उसे लाइब्रेरी में बंद करके इतना मारा कि अलशिफा में एडमिट था। और जो बच्चे होली फैमिली में, इसका जवाब आप दे दीजिए, जो बच्चे होली फैमिली में एडमिट थे उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट ना देके पुलिस उठा के स्टेशन ले जाती है, उन्हें रात भर वहाँ रखती है। मेरा दोस्त मुस्तफ़ा नाम का मेरे डिपार्टमेंट में क्लासमेट है, वो कहता है सर आप मुझे पूरे साल यहाँ बंद करके रख लीजिए लेकिन एटलीस्ट गिव मी अ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो वहाँ पुलिस कहती है लेट देम डाई, 2-3 मरेंगे तो इन लोग को अकल आएगी। सिद्धार्थ जस्टिफाई स्टेटमेंट, सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि पुलिस को अगर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसना है तो वाइस चांसलर की इजाज़त लेनी पड़ती है, इजाज़त ली नहीं गई। आप, अनिमा ने आरोप लगाया कि जामिया के छात्र पत्थर फेंक रहे थे, 10 लोग अरेस्ट हुए हैं अब तक, उनमें से कोई भी जामिया का छात्र नहीं, वो बाहरी लोग हैं। तो इस तरीके से जामिया के छात्रों को विलन के तौर पे पेश करना, क्या ये सही है? अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग थे, वो छात्र थे जामिया के नहीं थे भी या नहीं, इसको इस्टेब्लिश किए बगैर इस तरह का आरोप कितना सही है? जी बिल्कुल मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूँगा, जो कन्हैया जी ने पहले कहा और जो अभी जो जामिया से हमारे साथी यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वहाँ पे जो अभी अरेस्ट हुए हैं उनका जामिया के पास आईडी कार्ड्स नहीं है, वो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, और यही पूरा मुद्दा है। ये जो एक माहौल देश में बनाया जा रहा है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जल रही हैं, स्टूडेंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं, तो कन्हैया जी मैं आपको बताना चाहूँगा इस देश में 900 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40,000 कॉलेजेस हैं, 11,000 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर 22 जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि आप करवाना चाह रहे हैं, मेरा भी थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, 2 साल हो गया, आप करवाना, सुन लीजिए उनको भी, सुन लीजिए थोड़ा टॉलरेंस सर, जो आप करवाना चाह रहे हैं ऐसा स्थिति ग्राउंड पे नहीं है। दूसरी बात, जामिया में भी क्या हुआ, आज जितने लोग भी वहां पे अरेस्ट हो रहे हैं, क्यों ऐसा है कि उन लोग के पास आई कार्ड्स नहीं है? क्यों ऐसा है कि जो लोग बाहर निकल के आते हैं स्टूडेंट्स को एक फेस रखकर सामने वहां पे पत्थर चलाए जाते हैं, पुलिस के साथ रिजेंटमेंट की जाती है? सर आप लोग बहुत बड़े लोग होंगे, मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूं, छोटा सा मेट्रो में बैठ के यहां पे आया हूं, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होता है। हमें बदनाम करना बंद कीजिए, हम लोग बसें नहीं जलाते हैं, हम लोग वहां जाके पत्थर नहीं मारते हैं। इस देश का स्टूडेंट विवेकानंद के स्टैचू को जाके नहीं उस पर कुछ कुछ लिखता है, इस देश का स्टूडेंट डिबेट डिस्कोर्स में विश्वास रखता है, वो हम लोग करते हैं। आपने आज पूरे CAA को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, आपके पॉलिट ब्यूरो ने, कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने जब इसका समर्थन किया था तब क्या हुआ था? जब 1950 में नेहरू ने, हमारे देश के कानून मंत्री ने इसका समर्थन किया था तब क्या हुआ था? जब इतनी बार इसमें अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और बहुत से लोगों को दिया गया, आज ये बिल्कुल अचानक से आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? आपकी भी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये आपका एक चेहरा आप कह रहे हैं कि पास्ट में सपोर्ट हुआ था, राहुल एक्चुअली द पॉइंट एग्जैक्टली इज दिस, जिस अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं सपोर्ट करने की, वो तो आपकी सरकार अभी लेके आई ना, जब नेहरू जी थे तब तो ये अमेंडमेंट नहीं था, अमेंडमेंट तो अभी आया, तो उसको उस पॉलिट ब्यूरो ने और नेहरू जी ने कैसे सपोर्ट किया होगा? सर अगर मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे कन्हैया जी बड़े सीनियर हैं, अगर वो ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए उनकी कोई सिटीजनशिप को डाइल्यूट करने में किसी भी रूप से वो साबित कर देंगे तो मैं भी मान जाऊंगा। आज इसका जवाब दीजिए, बार बार बीजेपी और बीजेपी के समर्थक के सवाल पूछते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसी नागरिक पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ता तो इसके खिलाफ मैं आप क्यों खड़ा? देखिए सबसे पहली बात तो ये, अनिमा जी JNU में ही पढ़ती हैं, जानते हैं हम उनको, वो कह रही थी कि हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है पुलिस के साथ होना, और पुलिस के ऊपर जब लाठियां बरसाई जा रही थी, पुलिस के ऊपर भी जब हमला किया गया इसी दिल्ली में, तब भी आपको पुलिस के साथ होना चाहिए था, ये खुशी की बात है। लेकिन आप हमेशा पुलिस को और किसी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप उस केस में CBI को कैसे सपोर्ट करेंगे जहां वो कुलदीप सेंगर को बचा रहे हैं? JNU को बदनाम कर सकते हैं? हाँ देखिए ये तो अमित शाह से पूछ लीजिए, ये तो मोदी जी से पूछ लीजिए, ठीक है, पता नहीं JNU सुनते ही भारत की बर्बादी के नारे आपने लगाए, जामिया में आज खिलाफत 2.0 के नारे लग रहे हैं, वहाँ पे हिंदू
हिंदू से आजादी के नारे लग रहे हैं और आप कह रही है आप वही बात बोल रहे हैं, ये मोटिवेटेड और एक आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, वरना आप ये बताइए, आपको जानते हैं आपको मुकदमा भी होना चाहिए और आपको इस देश का गृह मंत्री होना चाहिए। अमित शाह से भी बढ़िया झूठ बोलते हैं आप। बिल्कुल मुकदमा कीजिए आप, चार सीट तो पहले अपने नाम, चार साल हो गया है, चार साल दिल्ली सरकार, कोई चार सीट नहीं है, चार सीट है, आपकी मानसिकता की सरकार जो दिल्ली सरकार है वो उसको पास नहीं होने दे रही है। आज तक को ये कह रहे हैं कि देश की बर्बादी करने वाले को ये अपने टीवी चैनल में बुलाए हैं और आपको शर्म आनी चाहिए कि देश की बर्बादी करने वाले के साथ आप इस मंच पे बैठे हुए हैं। मैंने हर रूप का प्रोटेस्ट देखा है, हर रूप का प्रोटेस्ट देखा है, वहाँ पे नारे लगते हैं, 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, अफजल हम शर्मिंदा है, इस तरह के नारों को आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया है। कौन बोला है ये, कौन जेएनयू के कौन आप थे वहाँ पे? मैं बिल्कुल वहीं पर हूं। तो आपने उनका नाम बताया है पुलिस को? रियलिटी चेक की बात, पुलिस को बताया है आपने उनका नाम? वो जेल में क्यों नहीं है? चार साल से आपकी सरकार है, गृह मंत्री क्या तमाशा देश के साथ कर रहे हैं? मजाक चल रहा है देश के साथ, देश के साथ मजाक चल रहा है। दूसरी बार आपकी सरकार बन करके आई है और एक ही बकवास आप पिछले 5 साल से देश के साथ कर रहे हैं। केजरीवाल जी को हारने दीजिए, केजरीवाल जी को चुनाव हारने दीजिए, आप भी जेल मंत्री आपका है भाई साहब, आपके खिलाफ जो वकील जाके बोल नहीं रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं? जो जाके वकील बोल नहीं रहे हैं आप, किसको गुमराह कर रहे हैं? बदल जाएगी तो हो जाएगा। अरे दूसरी बार मोदी जी चुन करके आए हैं, पिछली बार से ज्यादा बहुमत है, गृह मंत्रालय आपका है, राष्ट्रपति आपका है, आप क्या परमिशन नहीं दिला सकते हैं? इतना प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए, इतना प्रोपेगेंडा हम ठोक करके बोलते हैं, सुनिए ठोक करके बोलते हैं। आप बोले कि सीनियर है, ठीक बात है, आपके जो एक सीनियर प्रवक्ता आए थे ना, उनको इसी तरह से बैठा करके उनसे यही सवाल पूछे थे, बकवास करना बंद कीजिए, ठीक है, और दूसरे के नाम पे वोट वोट मांगना ये भी बंद कर दीजिए। एक प्रश्न पूछूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा, गुस्सा मत होइए, मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक ही बार सर, देश की बर्बादी का नारा लगा रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं कि तमाशा चला रहे हैं देश में, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे नहीं होगा, सुनिए सुनिए, एक ही बात बकवास बोले जा रहे हैं इतना दिन से, मुझे ऐसा लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ऐसे नहीं होगा, सुनो सुनो, जहाँ पे प्रोड्यूसर जो है ना, सारी माइक बंद कर दीजिए, सारी माइक बंद कर दीजिए, बता दूं मेरे अलावा सारी माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कर दीजिए, बंद हो गई सारी माइक, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कीजिए, फरत माइक सारी माइक, अच्छा अब आपकी माइक बंद है, आपको कोई नहीं सुन सकता, आपको कोई नहीं सुन सकता, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ऐसे बहस नहीं हो सकती है, ऐसे बहस नहीं हो सकती है, आप बैठिए, मैं एक सेकंड, मैं आपको भी सेंसर करना चाहता हूँ, वो इसलिए कि आप बकवास टाइप के शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है, आप ये बोलेंगे नहीं तो हम लोग, ये कोर्ट नहीं है ना, नहीं नहीं अभी आपकी माइक ही ऑन नहीं है मेरी, नहीं अभी मैं, अरे अरे अभी जैसे लोकसभा के स्पीकर के तौर पर मैं नियम सेट कर रहा हूँ डिबेट के, वो नियम ये है कि एक एक करके बोलेंगे, ठीक है, वरना मैं मार्शल बुला के इस सब जो डिबेटर ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल चल जाएगा उसको बाहर करना पड़ेगा, एक एक करके जब आपसे पूछा जाए तब आप जवाब दीजिए, ऐसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई मछली का मार्केट थोड़ी है, नहीं अभी आपकी माइक ही नहीं है, नहीं ठीक है चलिए, अब माइक ऊपर की जो पांच साल से, आप मुद्दे पे डिबेट करवाइए, झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ बैठ करके, झूठ नहीं बोलेंगे, मामला कोर्ट में है, अभी तक दूसरी बार चुन करके आए हैं, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? अगर देश के खिलाफ कुछ बोला गया है तो क्यों गुमराह कर रहे हैं देश? बता दूं मैं आपको सुना दूं, अच्छा जवाब दूं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जवाब दूं दीजिए, सुनना चाहेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपके खिलाफ जो आपका दिल्ली में केस रजिस्टर्ड है उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं वो बार बार कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि नहीं हम अभी दिल्ली पुलिस से चार्जशीट नहीं ले पाए, हम नहीं देंगे। अरे तो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर थोड़ी है, गृह मंत्रालय के अंदर है, परमिशन दिलवा दीजिए। लॉ का छात्र हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर सकता है, कमिश्नर नहीं जाके कहेंगे कि कन्हैया कुमार को परमिशन दिला दीजिए, आप इतना भी प्रोपेगेंडा मत करिए, जी से परमिशन दिलवा दीजिए, इतना प्रोपेगेंडा मत करिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगा, इसलिए कह रहा हूं अगर बाय चांस केजरीवाल चले गए ना कहीं ऐसा ना हो, आप उनके साथ चले जाएं, एलजी से परमिशन दिलवा दीजिए, ठीक है एक सेकंड, आप कहने को कुछ भी कहते हैं, और एक बात बता देते हैं, जिस दिन हम इस केस से छूट करके आएंगे ना नीमा जी, तब आप हमसे नजर नहीं मिला पाइएगा, झूठ झूठ होता है, याद रखिएगा, नहीं सर, और आज को मानने वाले लोग हमको देशद्रोह नहीं साबित कर सकते, सर हम आज भी नहीं मिला पाए आपसे नजर, आज भी नहीं मिला पा रहे आपसे नजर, आई विटनेस टू ऑल द स्लोगन, जिस प्रकार का आप कर रहे हैं हम आज भी आपसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप नहीं हो सकते स्टूडेंट एक्टिविज्म के आइडल, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, अगर आप लग रहे हैं कि आप स्टूडेंट एक्टिविज्म के आइडल बन गए हैं इस देश में, नहीं है सर, इतना मत बदनाम करिए हमें, बिल्कुल भी नहीं मिला पा रहे हैं नजर, माफी चाहेंगे बाद में, शायद मिला लें, सिद्धार्थ देश से मांगिएगा बाद में, चाहे मिला लें, सवाल सवाल ये बनता है कि अगर विरोध का कोई स्वर खड़ा होता है सिद्धार्थ,
तो उसको एंटी नेशनल, देश विरोधी के तौर पे क्यों पेश किया जाता? अगर कोई छात्र, कन्हैया हो या कोई और हो, मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो ऐसा क्यों है? जैसे कन्हैया ने कहा कि जॉर्ज बुश की वो नीति कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप तालिबान के साथ हैं, ऐसा नहीं, वो आपके साथ नहीं है, आपके विरोध में है, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान के समर्थक हैं। सर देखिए, इसमें बहुत क्लियर लाइन होती है, स्टेट के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक है, बोलना चाहिए। पॉलिसीज के खिलाफ अगर हम आज देश में डेमोक्रेसी में क्रिटिकल वॉइसेस नहीं होंगी तो शायद स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होगी, पर आप स्टेट के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे तो वो गलत हो जाता है। अगर एक कोर्ट के डिसीजन का आप खिलाफ बोलना बोल देंगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो गलत हो जाता है। अगर आप बहुत सी बातें, कश्मीर मांगे आज़ादी, बंदूक के दम पे आज़ादी, आप बोलेंगे तो गलत हो जाता है। उसमें दो राहें नहीं है सर, कोई मुड़ के नहीं कह सकता कि नहीं ये वाला शायद ठीक था क्योंकि कन्हैया जी ने बोला है, वो बोलते भी अच्छे से हैं, तो ये तो कैसे हो सकता है क्योंकि विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, ऐसा नहीं है। आप सरकार के खिलाफ बोलिए ना, आप नीतियों की बात करिए ना, आप एक्ट की बात करिए, आप एजुकेशन की बात करिए, पर आप ये मत बोलिए कि मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट ने किसी को अगर सजा दी तो वो जज कातिल थे, ऐसा नहीं है। ये एक्ट है कि नहीं है? एक्ट के खिलाफ जो हम यहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, तो उस पे ये कह रहे हैं कि ये लोग सीए के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, इसको कहते हैं ना देहाती भाषा में हमारे, कोना कोना कौन कोना सौतली पुतह कोना खेलना, यहाँ का मुद्दा वहाँ पहुँचा देना, वहाँ का मुद्दा वहाँ पहुँचा देना। सिंपल देखिए, सीधी सी बात है, मैं कभी भी इसको लेकर के मैं कितनी मंच पे गया हूँ, इसकी सफाई ही नहीं देता हूँ, मैं इसकी सफाई नहीं देता हूँ। अगर मैंने देश के खिलाफ कुछ बोला है तो देश में कानून है, देश में पुलिस है, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जब कुलदीप सेंगर नहीं बच पाया बलात्कारी, तो कन्हैया कुमार भी नहीं बचेगा अगर कुछ गलत किया है तो देश की पुलिस और कानून पर ये भरोसा रखें। मोहम्मद अली, आप जहां तक मुद्दा का सवाल है, देखिए मुद्दा जिसको बार बार डाइवर्ट किया जा रहा है, मुद्दा का सवाल है, ये कहते हैं कि कोई स्टूडेंट बस नहीं जला सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई स्टूडेंट बस नहीं जलाता है और कि कोई स्टूडेंट बस जलाया भी नहीं है, ये आर्गुमेंट लेकर के लोग आए हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है। गलत बात है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक की है, पब्लिक को उसका उससे नुकसान होता है। मेरा यही सवाल है कि क्या जामिया एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या जामिया की लाइब्रेरी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है? और जामिया के जिन स्टूडेंट को पीटा गया वो भी तो पब्लिक है, जिसके ऊपर लाठी मारा जा रहा है, जिसे मुल्ला पट्टा बोला गया। इस देश का जो नीति है, नीति की बात एक चीज में गुरु मोहम्मद अली, बार बार आप ये कह रहे हैं, जिस शब्द से आपको परहेज है, जिस टाइपिंग से आपको परहेज है, उसको पब्लिक मंच पे आके बोलने की क्या जरूरत है? आपने एक बार कह दिया, बार बार मत कहिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए, बार बार अपना दर्द बार बार बता, एक बार बता दिया हमने, आपके दर्द को सुन भी लिया, लेकिन बार बार ना कहिए। आपसे सवाल ये है कि आप मानेंगे कि जामिया का जो विरोध था वो हाईजैक कर लिया गया, कि ऐसे लोग जो शायद छात्र ना थे, 10 लोग अरेस्ट हुए, आप लोगों का प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया? जी बिल्कुल हाईजैक हो गया है। उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो जामिया के छात्र नहीं है। क्या उन 10 लोग के समर्थन में कोई भी जामिया स्टूडेंट खड़ा हुआ अब तक? नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहब मोहतरमा का उस रात में एक मिनट का वीडियो आता है, वहाँ पर वो कहती हैं कि एकदम भगदड़ में पुलिस के पास परमिशन लेने का टाइम नहीं था, और ये मोहतरमा बोलती हैं वहाँ 27,000 लोग थे। तो आप देखिए ना, फैक्ट और क्रॉस चेक क्या कितना फर्क होता है। 27,000 और भगदड़ में पुलिस को परमिशन का वक्त नहीं मिला, और 48 घंटे होने जा रहे हैं उस जिस तरह से हमारी लाइब्रेरी को बर्बाद करा गया, क्या दिल्ली पुलिस के खिलाफ अब तक FIR नहीं हो पाई? एक दिल्ली पुलिस का हॉस्टल्स में घुसना, दिल्ली पुलिस का लाइब्रेरी में घुसना, वहाँ पर छात्र छिपे हुए हैं, वहाँ पे शीशे टूट रहे हैं, वहाँ पर टियर गैस शेलिंग हो रही है। आपने कहा इतने ज़ोरों से कि आप दिल्ली पुलिस का समर्थन करती हैं, आप तो खुद छात्र हैं, आप तो खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में घुस जाए, हॉस्टल में घुस जाए, लाइब्रेरी में घुस जाए, इस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार हो, क्यों आप सपोर्ट कर रही हैं इसका? आई टेल यू भाई, जो आप कह रहे हैं ना कि ये छात्र आंदोलन है, मैं इससे विफर करती हूँ। यहाँ पे पैनल में जो कन्हैया जी ने बोला और जामिया से हमारे मित्र बोल रहे हैं, मैं उससे विफर करती हूँ। जिन छात्र आंदोलनों में खिलाफत 2.0 के नारे लग जाएं या हिंदुओं से चाहिए आज़ादी के नारे लग जाएं, वो छात्र आंदोलन नहीं है। मैंने बोला मैं दिल्ली पुलिस का समर्थन इसलिए करती हूँ क्योंकि किसी भी पुलिस का कोई फेवरेट पास टाइम नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज में जाके स्टूडेंट्स कैसे क्या रह रहे हैं वो चेक करें। छात्र अपनी लाइब्रेरी टूटने के खिलाफ आवाज उठाए तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा।
प्रोपेगेंडा के मैं आपको हाइट्स बताती हूँ। जो लाइब्रेरी का वीडियो आया है वो किसी पुलिस लाइब्रेरी का शीशा टूट जाएगा। मेरे दोस्त एक किसान का बेटा जिसका लैपटॉप टूट गया है, जिसे अखिलेश सरकार से बेचारा वो लैपटॉप लेकर आया किसी तरह, उसका लैपटॉप टूट गया। टॉलरेंस बट आई विल स्ट्राइव ऑन दिस स्टेज बीइंग अ वुमन यू कैन नॉट शट माय वॉइस। Remember, you spoke when you were given a time. You are shutting the subaltern voice. You are shutting the subaltern voice. I will thrive on this platform and not just tolerate. हिंदी में बोलिए ना, बहस हिंदी में आप अंग्रेजी बोल रही हैं, आप बहस हिंदी में ही रखिए। मैं आपको बता रही हूँ प्रोपेगेंडा जो है प्रोपेगेंडा। आपका आरोप एक सेकंड, आपने ये आरोप लगाया कि जामिया के छात्रों ने खुद ही अपनी लाइब्रेरी पे हमला कर दिया, खुद ही अपने हॉस्टल के शीशे तोड़े, आप ये कह रही हैं? ये फुल पब्लिक ग्लेयर में है, सबूत है आपके पास कि छात्र अपने आप की पिटाई कर रहे हैं? वहाँ पे पिटाई नहीं हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है और एक बैकग्राउंड में एक स्टेटमेंट है विच सेज कि यार अपनी ही प्रॉपर्टी का नुकसान मत करो, ये कोई पुलिस वाला एक दूसरे को नहीं बोलेगा। तो लाइब्रेरी तक तो पहली बात नहीं घुसे हैं। दूसरी बात, जब मैंने बोला कि आई सपोर्ट दिल्ली पुलिस, उसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये था कि जब दिल्ली पुलिस का क्या रोल है, टू इंश्योर सिक्योरिटी, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जब इतना बड़ा जो स्टूडेंट मुद्दा इतना बड़ा प्रोपोगंडा में कन्वर्ट होता है, आपने देखा होगा मीडिया में भी है, एक छात्र मुस्लिम अटायर में बट ही वॉज अ मेल व्हेन ही वॉज एक्सपोज्ड बाय द दिल्ली पुलिस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल आप बोल रहे हैं कि बसेस दिल्ली पुलिस जला रही है। दिल्ली पुलिस क्या है? स्टेट मशीनरी। बसेस क्या है? स्टेट प्रॉपर्टी। मतलब आप एक तरह से आप भी तो एक तरफा लांछन ही लगा रहे हैं। एंड आई से ऑल दिस कि किस तरह से प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता है। जेएनयू फी हाइक का मुद्दा था, हर एक छात्र का मुद्दा था, ठीक है, हर एक छात्र का बजट जो है उससे उसकी फैमिली को अफेक्ट होता, उसका फ्यूचर एजुकेशन अफेक्ट होता, वो छात्र का मुद्दा था, छात्र मुद्दा स्टार्ट होता है। एबीवीपी उसमें फर्स्ट डे से फ्रंट लाइन चैंपियन। आपने आरोप लगाया कि जामिया में जो छात्र हैं वो अपनी लाइब्रेरी को खुद ही तोड़ रहे थे, वहां के शीशे तोड़ रहे थे, हॉस्टल में घुस रहे थे और खुद ही पब्लिक प्रॉपर्टी का खुद ही अपना सर फाड़ लिया, दो हाथ फ्रैक्चर कर लिया। वेरी गुड। मेरा एक, मैं दोबारा फैक्ट पे बात करूंगा, मैं हवा बात नहीं करूंगा। मेरा क्लासमेट है मोहम्मद मुस्तफा नाम का, एमए सोशल पॉलिसी का, वो प्रोपेगेंडा को फैक्ट बता रहे हैं। मैं एक्शन बता रहा हूं, आपको बोलने नहीं दे रहा, उनको भी सुन लीजिए। नो, शी हैज द राइट टू शट द सबाल्टर्न वॉइस, तो शी कैन। बहरहाल, सो मुस्तफा जो है लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहा है, जो लैपटॉप भी सरकार की स्कॉलरशिप से लेकर आया था, घुसती है पुलिस, वो ऐसा करता है। सर ऐसे मत मारिए, दोनों हाथ पे मारते हैं, घसीटते हुए गेट नंबर 7 से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में ले जाते हैं। वहाँ कहता है मेरा बेसिक राइट है, मुझे अपने गांव में इन्फॉर्म, घर पे इन्फॉर्म करने दीजिए, नहीं तो एटलीस्ट मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट दीजिए। पुलिस वाले बोलते हैं लेट देम डाई, 2-3 मरेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा बात, आप बार बार मुस्लिम अटायर बोल के आप यू आर मेकिंग अस फीलिंग इन्फीरियर, इसका जवाब क्या देंगे? मुस्लिम अटायर इसका जवाब दीजिए, क्योंकि दुमका झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने ही खुद कहा कि जो भी विरोध कर रहे हैं उनके कपड़े देख के पता चल जाता है कि विरोधी कौन है, क्योंकि जामिया के जो छात्र थे या जो छात्र नहीं भी थे वो तो जीन्स और टी शर्ट पहन के विरोध कर रहे थे, तो कैसे पता चलता है कि कपड़े देख के कौन विरोध कर रहा है? सर पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा जो हमारे मित्र कह रहे हैं। स्टूडेंट्स पे जामिया में जो भी हुआ उसकी बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, पर स्टूडेंट्स के नाम की आड़ में जो हुआ उस पर कौन बात करेगा? अगर उसके भी सपोर्ट नाम की, हमने जो 10 लोग कन्विक्ट हुए हमने सपोर्ट नहीं किया उन्हें। जी जी सर, यही एक बात है जो इतनी आड़ में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जिसको आते कन्हैया जी ने भी कहा, आगे भी वो कह रहे हैं, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बदल के एक वायलेंट वैंडलिज्म का प्रोटेस्ट बना दिया गया जो पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन को लेके जा रहा था, तो वो स्टूडेंट्स आज अल्टीमेटली पुलिस एक्शन में घायल हुए हैं, तो उसका जिम्मेवार और कौन कौन है ये देखना पड़ेगा। अगर पुलिस ने वहां पे अनाउंसमेंट करने के बाद, जो कि वीडियोस आई हैं आज दूरदर्शन पे भी आई और उस पे भी आई, कि हम बाहर से जो आपकी यूनिवर्सिटी में शेल्टर लेने लोग अंदर जा रहे हैं, बार बार आपको सबको ध्यान में होगा कि जामिया एक रोड के दोनों साइड है, वहां पे पत्थरबाजी हो रही थी, बैरिकेड्स थे, बसेस जलाई जा रही थी, वैंडलिज्म हो रहा था, पुलिस आती थी, लोग गेट्स के अंदर घुस जाते थे। रजिस्ट्रार ने भी कहा कि हमारे स्टूडेंट्स से ज्यादा लोग अंदर हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए वो भी आई कार्ड होल्डर्स नहीं है। पुलिस ने कहा कि हम अंदर जा रहे हैं उन लोगों को ढूंढने जो शायद बाहर के लोकल एरिया से आए हुए हैं आपके शहर में। जामिया, अगर आप ये खुद मान रहे हैं तो जामिया के छात्रों को विलन के तौर पे क्यों? नहीं सर, कौन कह रहा है विलन? बिल्कुल भी नहीं कहते हम विलन। अगर जामिया बैठ के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता है तो उनको बिल्कुल राइट है, करना चाहिए। और एज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम कहेंगे सर, आने वाले टाइम में जामिया में हम एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, लेट द बोथ साइड सिट टुगेदर।
हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है या नहीं, और ये स्टूडेंट्स करते हैं सर, बस ये नहीं चलाते हैं स्टूडेंट्स, पहली बात। दूसरी बात, जो कन्हैया जी कह रहे थे, देश भर में आपने इतना कुछ कह दिया सर, बस जलाने और किसी के लिए कहने के लिए सर, कुछ एक नहीं। आप बस जलाने का बाबत जिक्र कर रहे हैं, जो 15 बच्चे वहाँ बैठे थे जिनके पास निहत्ते बैठे थे सिर्फ एक कागज लेकर, 3 बस जलाने के लिए कम से कम 1.5 लीटर केरोसिन चाहिए होगा, वो कहाँ से आया? एक भी, बहरहाल उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, वो भी नहीं खरीद सकते केरोसिन। और एक भी वीडियो आपने ऐसे देखी जहाँ एक छात्र बस के आसपास भी आग लगा रहा हो? लेकिन मैंने वीडियो आपके पुलिस आसपास है बस के केन लेके जा रही है, आपने वीडियो देखी होगी, वो उस पर आप क्या जवाब देंगे? इसमें मोहम्मद अली, क्योंकि ये बात बार बार कही गई है कई लोगों द्वारा, यहाँ तक कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी वो तस्वीर ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखिए पुलिस बस को आग लगा रही है, उसमें केरोसिन डाल रही है। हमारी जो अफवाह टीम है एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम, उसने पड़ताल की, हमने उस बस का नंबर निकाला, हमने उस बस की पूरी पड़ताल की, और वो बस अभी भी सलामत है, यार्ड के अंदर खड़ी है, उसको चोट पहुंची है, बस ऐसी नहीं कि ठीक है, लेकिन ये आरोप लगाना कि उसको जला दिया, इस जिस आप अगर वो बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना वो भी गलत है। इस तरीके से ये कहना कि पुलिस बस जला दी, आपके पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, आपने एक बस की पड़ताल करी, 3 बस, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बस को पुलिस ने जलाया, ठीक है। अगर आपको विरोध करना है और अगर आप चाहते हैं कि देश के लोग आपका समर्थन कहें, इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर या पुलिस पे आरोप लगाना जिसके आपके पास कोई सबूत नहीं है, वो पूरी तरीके से मोहम्मद अली साहब गलत है। मैं भी एक बात, अफसोस की बात है कि आपने एक ही बस की पड़ताल करी, 2 छोड़ दी। देखिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज तक के पास एक ऐसी टीम है जो अफवाहों की पड़ताल करती है, तो आज तक की टीम ने एक पड़ताल की थी, स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें यह साफ साफ बताया गया था कि कन्हैया ने नारा नहीं लगाया, वो वीडियो डॉक्टर्ड किया गया है। अनिमा जी माफी मांगेगा देश से? आई ऑब्जेक्ट, 12 वीडियोस में से 7 ऑथेंटिक थे, और जो अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, छोड़िए ना, अरे आपकी सरकार है, थोड़ा आपको भी बोलने दीजिए, पार्लियामेंट में भी आप ही हैं, सब जगह आप ही हैं, थोड़ा बोल लेते हैं मैडम, थोड़ा बोलने दीजिए मैडम, क्या कीजिएगा, गजब स्टाइल है। खैर, हमारे साथ जो एबीवीपी के लीडर थे, अनिमा जी आप जानते होंगे, सौरभ शर्मा, जिनके इनिशिएटिव से ये तथा कथित केस मेरे खिलाफ हुआ था, उनको जेएनयू में नौकरी दी गई है, ठीक बात है ना? और नियमों को ताक पे रख कर, उनके मेरिट पे, नियमों को ताक पे, बेईमानी मत कीजिए, नियमों को ताक पे रख करके, जो मुद्दा है, मुद्दे पे आते हैं, कैंपस क्यों बहस में है, इसके 2 कारण है, इसको समझ लीजिए। पहला कारण ये है कि कैंपस के विद्यार्थियों के पढ़ने के अधिकार पर लगातार हमला किया जा रहा है, इस बात को समझिए। सरकार ने सैस का जो 84,000 करोड़ रुपया वसूला है, एजुकेशन सैस का, उसको एजुकेशन पे खर्च नहीं किया है, लगातार एजुकेशन महंगा हो रहा है, इससे आप कोई लोग इनकार नहीं करेंगे, चाहे आप प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हों या पब्लिक फंडेड एजुकेशन ले रहे हों। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकम लोगों की कम हो रही है और ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो रही है, शिक्षा लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, मात्र 1% लोग जो है वो हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं, हम जीडीपी का 3% से भी कम एजुकेशन पे खर्च करते हैं, नतीजा क्या होता है कि बड़ी मुश्किल स्थिति में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते हैं। मैं आपको अरे क्योंकि जिस फीस की बात कर रहे हैं, फीस तो हम लोग देते हैं, फीस जो यहाँ बैठे लोग हैं वो देते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कन्हैया साहब, अब देते हैं, आपको देना पड़ रहा है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, हम भी टैक्स दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, बहुत दिनों से आप पढ़ रहे थे, अब तो पे सब देता है सर, देना चाहिए, जो लोग नमक खरीदता है वो भी टैक्स देता है, जो लोग जूता खरीदता है वो भी टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स देता है। सवाल ये है कि अगर फर्ज कीजिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जामिया में, किसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में तमाम तरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं, अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है, उसकी हैसियत नहीं है, उसके परिवार के पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है पढ़ाई करने के, तो उसको टैक्स पेयर से सब्सिडी मिलनी चाहिए, एजुकेशन लोन मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसी फैमिली से आता है जिसके पास पैसे हैं, उसको फिर क्यों सस्ती कीमत पे मिलनी चाहिए? वो तो विदेश जाके पढ़ने चला जाता है सर, वो तो कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जामिया में कई सारे ऐसे छात्र पढ़ते हैं। अच्छा, आपके पास पैसा रहेगा तब भी जो है आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं, प्राइवेट अस्पताल में? एकदम बेतुकी बात है, ये सब बेतुकी बात हो चुका है इस देश। दिल्ली में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे परिवार के लोग आते हैं जो आराम से जितनी फीस देते हैं उससे 10 गुना ज्यादा फीस दे सकते हैं, जो स्कूल में 25,000 रुपए हर महीने फीस देते हैं, लेकिन वहां जाके 2-3 हजार रुपए फीस देते हैं, ये क्यों ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
इन छात्रों को ज्यादा फीस देनी चाहिए, जो कमजोर फैमिली से आते हैं वाकई में उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। अच्छा देखिए ये जो सब्सिडी वाला ये कब तक मुफ्तखोरी चलती रहेगी भाई, जो पे कर सकता है उसको पे करना चाहिए, जो नहीं पे कर सकता उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। पढ़ने का ताली मत बजाइए, पढ़ने का अधिकार मुफ्तखोरी नहीं है साहब, क्या बात कर रहे हैं। एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है, आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है, आपको एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन जहां तक सवाल है, सिंपल समझिए, हमारा जो स्टेट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके प्रॉपर्टी हैं। ये बार बार जो पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की बात की जा रही है, तो सिटीजन भी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है स्टेट का। आप सुसाइड कमिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप स्टेट की प्रॉपर्टी होते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को जहां तक बचाने का सवाल है, हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, उसमें हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार को हम टैक्स देते हैं, सरकार बदले में हमको सर्विसेज देती है। अगर इस देश के टैक्स का पैसा एजुकेशन पे खर्च नहीं होना चाहिए तो गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी जी के प्राइवेट जो जेट खरीदा गया है उस पर क्यों खर्च होना चाहिए? 200 करोड़ क्यों उस पर खर्च किया गया है? प्रधानमंत्री के लिए 5 करोड़ का कार क्यों खरीदा गया है? देखिए प्रायोरिटी को तय करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन को आज जिस नज़रिए से देखा जा रहा है कि एजुकेशन लेना मुफ्तखोरी है, बैठ जाइए सर, आपका भी जवाब दे देंगे। एजुकेशन लेना मुफ्तखोरी नहीं है, और जो लोग एजुकेट होते हैं वो बाहर निकल करके सर्विस देते हैं। एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसके बाहर में क्या लिखा रहता है? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। अगर हम पीएचडी नहीं करेंगे तो हमको अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? आज जेएनयू से जो पढ़े हुए लोग हैं वो अच्छी जगहों पे जाकर के सर्विस दे रहे हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अनिमा जी दिल्ली पुलिस को सपोर्ट कर रही थी, जो जामिया का इलाका है वहाँ का जो डीसीपी है चिन्मय बिस्वाल, वो जेएनयू से ही पढ़ा हुआ है, वो जेएनयू से पढ़ करके निकला है, सब्सिडी से भी पढ़ाई करके बाहर निकला है। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की ताकत यह है कि उसमें डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आ पाते हैं, नहीं, नहीं, और वहां जो पढ़ाया जाता है जलेबी बना रहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लड़ पाता है सर। ना, नहीं, सर, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी इसलिए होना जरूरी है। इस बात में किसी को एतराज नहीं है कि जो छात्र पढ़ नहीं, जो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है उसको वहां पर पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन जो खुशहाल फैमिली से आते हैं उनको अपनी फीस देनी चाहिए, इसमें क्या बुरा है? अरे वो तो ऑलरेडी दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं? बहुत कम फीस दे रहे हैं, जितनी मार्केट लिंक जिनके पास पैसा है क्या वो पैसा नहीं दे रहे हैं? बहुत कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट जगह पे इलाज कराते हैं, बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। सर देखिए, मैं यहाँ पे स्टूडेंट का दर्द बयान करने आया हूँ। यहाँ बड़ा राइट्स की बात हो रही है, एकेडमिक डिस्कोर्स में बात कर रहे हैं। जो बच्चा बेचारा होली फैमिली में अपना इलाज कराने गया था, जो कि राइट टू एक्सेस पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आता है, वहां से दिल्ली पुलिस उठा के ले जाती है उसे, क्या ये बेसिक राइट का उल्लंघन नहीं है? क्या ये बेसिक राइट का उल्लंघन नहीं है? एक मेरा दोस्त मुस्तफा कहता है, सर मुझे एक साल बंद कर दो लेकिन मैं अपाहिज हो जाऊंगा, मेरा यूपीएससी लिखना है मुझे, आप मुझे कम से कम प्लास्टर करा दो, लेट देम डाई, क्या ये बेसिक राइट राइट टू लाइफ का उल्लंघन नहीं है? इसका जवाब दीजिए मुझे। ऐसे में सिद्धार्थ सवाल ये उठता है कि पुलिस का जो एक्शन था, जिस रफ्तार के साथ पुलिस अंदर गई, जो उन्होंने कार्रवाई की, ये सवाल उठेगा कि क्या ये कार्रवाई इस वजह से की गई कि उस विश्वविद्यालय का नाम जामिया मिलिया इस्लामिया था? अगर उसका नाम बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी होता, क्या तब भी पुलिस इसी तरह से एक्ट करती? सर देखिए, ये देखने का नज़रिया है। अब पुलिस कहाँ से आती है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। जब ये सरकार आई तो क्या आज के गृह मंत्री अपने साथ 2 लाख लोगों की फोर्स लेके आए थे और उनको दिल्ली पुलिस में भर्ती कर दिया? ये लोग वही हैं जो पहले से थे, ये समाज से आने वाले लोग हैं, आपके और हमारे घरों से आने वाले लोग हैं। मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूँ, एक मार्टियर का बेटा हूँ, मेरे दादाजी ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मेरे बहुत करीब है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर बार हर फंक्शनरी को ब्लेम करने से पहले थोड़ा अपने कॉन्शियंस में झांकना चाहिए। कन्हैया जी से मैं कहना चाहता हूँ कि कान को आप इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा सर। बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कही, 3% हो गया है, ये हो गया है, बिल्कुल विद्यार्थी परिषद का बहुत लंबे समय से कहना है कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, हम कहते आए हैं इस बात को, अफोर्डेबल एजुकेशन इज अ राइट, होना चाहिए। पर क्या ये आज ही खत्म हो गया क्या सर? तब नहीं था जब आपकी कम्युनिस्ट पार्टी रशिया के साथ मिलकर इस देश के विभाजन की बात करा करती थी? ज्यादा उसमें मत जाइएगा, पर मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि एक बहुत लंबे समय से जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा आपने चलाने का प्रयास किया ना, कि 2014 से ही सब कुछ खत्म हो गया, उससे पहले तो 20% था एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर था, आप तो उसको सपोर्ट कर ही रहे थे ना, बिल्कुल। फिर भी ये कहने के बाद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज भी सरकारों को किसी की भी आए, सिद्धार्थ भाई जी, कम्युनिस्ट के टाइम पे क्या होता था, इंदिरा गांधी के टाइम क्या होता था, स्टालिन और नेहरू के टाइम पे क्या होता था, वो छोड़िए, अभी तो आपकी सरकार है, आप ही अपनी सरकार से कह के बढ़वा दीजिए एजुकेशन का। हमारी वाली बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसकी भी सरकार आए
विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साफ कहना है कि शिक्षा पे जो खर्चा है वो बढ़ना चाहिए. अफोर्डेबल एजुकेशन इज अ राइट जिस स्टूडेंट को जरूरत है, और उसी के लिए जो ये पूरा जेएनयू का प्रकरण हुआ, हमने आपकी तरह मूवमेंट चलाई थी जेएनयू एसयू के रिकॉग्निशन के लिए नहीं सर, हमने मूवमेंट चलाई थी वहां पे यूजीसी के बाहर जाके, एमएचआरडी के बाहर जाके बीपीएल स्टूडेंट्स को राइट दिलवाने के लिए. आप वहां पे लड़ाई लड़ रहे थे कि जेएनयू एसयू को रिकॉग्नाइज किया जाए जेएनयू में. तो आप जो स्टूडेंट मूवमेंट्स को दबाकर, जो स्टूडेंट्स मूवमेंट्स के आड़ में अपनी चीज, एक मुद्दा खत्म होता है तो दूसरा नया आ जाता है. आज आपके पास प्रॉब्लम 1000 है, सोल्यूशन कौन सा है? सर, यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन. एक सेकंड में सर पूरा करूंगा बस अपना. आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रोग्राम लेके आई है स्कूल बेल देश में, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम स्कूल्स में जाएंगे, उनको पेंट करेंगे, वहां की स्थितियां सुधारेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में देश भर में. आपने इतनी प्रॉब्लम्स गिनाई सर, एक सोल्यूशन गिना दीजिए इस देश गिना देंगे? आज का युवा मेरे पास 10 सोल्यूशन है, गिनाने में विश्वास नहीं रखता है. आज का युवा सोल्यूशन मेरे पास 10 सोल्यूशन है, बोलिए मैं एक एक करके सोल्यूशन गिना दूंगा. राहुल सर, आई हैवंट गॉट माय आंसर येट. आई हैवंट बोल रही थी, आई हैवंट गॉट माय रिस्पांस येट. यू हैवंट क्लेरिफाई योर स्टैंड ऑन दिल्ली पुलिस ब्रुटैलिटी. आई हैव आस्क्ड कि एक लेट मी कंप्लीट, यू कैन नॉट सप्रेस सबाल्टर्न वॉइस, आई एम सॉरी. सो यू कैन नॉट शट मी अप, सॉरी सर. मेरा सवाल वही है कि एक छात्र होली फैमिली जाता है, राइट टू एक्सेस पब्लिक फैसिलिटी, राइट टू एक्सेस मेडिकल फैसिलिटीज, उसे वहां से उठा के क्यों थाने ले जाया जाता है, इसका जवाब दे दीजिए मुझे. एक सेकंड मोहम्मद अली साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है. आप हमारे निमंत्रण पे यहाँ पे आए हैं, बार बार हम आपको कह रहे हैं माइक उठाइए, अपनी बात रखिए, हर बार आप ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं कि सबाल्टर्न आवाज को दबाया जा रहा है. आपको हमने यहाँ पे बुलाया अपनी बात रखने के लिए, माइनॉरिटी और ये पर्सिक्यूशन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली, आपको अपनी बात रखने के लिए बुलाया. सर, शुरुआत उन्होंने करी थी सबाल्टर्न की, शुरुआत उन्होंने करी थी, यू कैन नॉट महिला वाला बात बोली थी ना, शुरुआत उन्होंने करी थी. कर रहे थे मेरे स्पेस में, मेरे ऑन एयर टाइम पे आप इंटरप्ट कर रहे थे, मुझे कोई शौक नहीं है. अभी भी आपने इंटरप्ट किया, अच्छा सर, आप मेरा आखिरी सवाल, अरे महिला की आवाज, आखिरी सवाल, अरे महिला की आवाज आखिरी सवाल, आप सेम सवाल है, सेम सवाल, महिला की आवाज दबाना भी गलत है, महिला की आवाज, सेम सवाल, आप सुनिए सुनिए. राहुल जी, यहाँ पे कई बार कन्हैया कुमार ने जी मुझे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की, डिमीन करने की कोशिश की. बिल्कुल नहीं, अनिमा जी जानती होंगी. अनिमा जी, मैं एक बात आपके साथ जोड़ देती हूँ, कन्हैया कुमार हैज द ऑडेसिटी कि वो सिविल लिबर्टीज की बात कर रहे हैं, ये उसी पार्टी को बिलोंग AISF जिसने इमरजेंसी का साथ दिया था, हैंड्स इन ग्लव थे उस समय, ये इंदिरा गांधी की सरकार थी और इनके एक भी लोगों ने ना कोई पर्चा पोस्टर निकाला, ना रैली निकाली. इमरजेंसी में छात्रों को जिस संख्या में उठा के जेल में डाला गया था, उसका समर्थन करती है इनकी इनकी पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी जो ये सपोर्ट करते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय इमरजेंसी को फुल फोर्स में सपोर्ट किया था. ही हैज द ऑडेसिटी टू टॉक अबाउट सिविल लिबर्टीज. लेट मी ऐड कन्हैया, लेट मी ऐड जेएनयू में पूरे एक महीने से ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट चलते हैं. एबीवीपी एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करता है, फ्रंट लाइन चैंपियंस होता है फी हाइक के अगेंस्ट, किसी भी तरह का जो क्रॉनिक हाइक नहीं हुआ. सरकार चला रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, मनवा दीजिए. हम अगेंस्ट थे, हमने लड़ा सोशल जस्टिस के लिए, जेएनयू में अकेले एबीवीपी ने लड़ी. हम यूजीसी पे मार्च करते हैं, वहां पे जो वीकर सेक्शन है, जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट करता है, 40% वीकर सेक्शन के लिए जो फी हाइक था उसका 50% स्लैश होता है दैट वेरी डे. पार्शल सक्सेस के बाद एबीवीपी जेएनयू यूनिट अकेले नहीं, पूरी दिल्ली यूनिट के साथ जाती है. अब उनको जवाब देंगे, एमएचआरडी में प्रोटेस्ट करने के लिए और उनके साथ. अच्छा, आपने बोल दिया ना, अब आपने बोल दिया व्हिच विल एक्चुअली लीड टू सक्सेस इन रिड्यूसिंग द. आपने सोशल जस्टिस का वर्ड यूज करा, मैं बता दूं सोशल जस्टिस की आवाज अंबेडकर ने उठाई थी 1947 में और किसी पार्टी ने नहीं उठाई थी. उनकी वजह से देश आज इंटीग्रेटेड है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज़ ऑफ बाबा साहब अंबेडकर. आप कहिए, बोल देते हैं, सुनिए लीजिए, बस एक मिनट में बोल देंगे सब बात, चुपचाप बोलिएगा, फिर भी झूठ बीच में नहीं घुसा दीजिएगा. स्मृति ईरानी जी, जब हम स्टूडेंट लीडर थे तो हमारी शिक्षा मंत्री थी. कमाल का एक चीज़ हुआ इस देश में, आप लोगों को याद दिला देते हैं, 2014 के एफिडेविट में वो ग्रेजुएट थी और 2019 में जब चुनाव लड़ी तो वो 12th पास हो गई. वो लोग आगे बढ़ता हो नीचे चली गई, कैसे? क्योंकि वो झूठ बोली थी, चुनाव आयोग से झूठ बोली थी. आप लोग भी झूठ बोलने में माहिर हैं. मैं आपको बता दूं, ये रसिया स्टालिन कहां कहां चले जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि देश में अभी क्या हो रहा है. देश में ये हो रहा है, वो अच्छा महिला का सवाल उठाई है. आज रिपोर्ट आई है कि भारत जेंडर गैप के मामले में 117वें स्थान पर चला गया है. ये क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में एक साजिश रची जा रही है देश के नागरिकों के खिलाफ, जो उनका बेसिक इशूज है उसको डाइवर्ट करके कहीं और पहुँचा दिया जाता है. आज CAA का बहस हो रहा है, इस बहस को हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
असल बात यह है आपके द्वारा, आपके द्वारा बनाया जा रहा है। अरे प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कैसी बात करते हैं, आपके द्वारा है, हम एक बार भी ये सब नहीं सर एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। दिन भर पाकिस्तान का माला आपके सरकार के मंत्री जपते रहते हैं। जेंडर गैप पे मैं बता देती हूँ, एबीवीपी का ऑल इंडिया मूवमेंट है मिशन साहसी, जो स्कूल में कॉलेजेस में जाकर छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है एंड दे यूज प्राइमरी मेथड्स। एटीएम कार्ड से कैसे अपना डिफेंस कर सकते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा मिला। छात्र संगठन एबीवीपी इंश्योर करता है। एक मैं छात्रों को रिप्रेजेंट करने आया हूं, यहां पे कोई पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया हूं। सवाल मेरा इतना ही है, मैं जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर हूं। अच्छा, अभी इस बहस मेरा सवाल इतना ही है कि एक जामिया छात्र होली फैमिली हॉस्पिटल जाता है, राइट टू एक्सेस मेडिकल फैसिलिटी, उसे पुलिस वहां से क्यों उठा लेती है? मैं जवाब दे देता हूं सर, हम आपके साथ हैं, ऐसा हुआ है वो गलत है, जांच होनी चाहिए। पर दूसरे आपके नाम पे जो और हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए, इतना ही हम कह रहे हैं। बिल्कुल, जांच करा लीजिए, आपके साथ हैं। थैंक यू। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, कभी हॉल के एक किनारे से ताली बजती है, कभी किसी दूसरे किनारे से, लेकिन कौन जीता कौन हारा इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी इस देश की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। आप लोग जुड़े हमारे साथ, आपने इस बहस में हिस्सा लिया एजेंडा आज तक में आने के लिए, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद।